शाहजी नमस्कार। मैंने तो आपके दर्शन करे नहीं, अब आपके दर्शन करने के लिए मुझे कनाडा आना पड़ेगा। तो मैंने आपके ये तबले तैयार कर दिए हैं। अब ये है कि अब शाहजी को पसंद आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरे को तो इतनी बड़ी जानकारी नहीं है। असल में जो भी कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत वो बना दिया है, बाकी की तो खूबसूरती आप ही पैदा करेंगे बजा के इसके अंदर। तो ये पहला तबला मैंने, आपने जो दो तबले मांगे थे तो उसमें एक तो मैंने नीचे स्केल का बना दिया है, तो एक ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये तबला है, ये 6 इंची का तबला है, और अभी ये जो है ना 5वें गाले पे बोल रहा है। ये मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये आ गया हारमोनियम। अब इसमें अब आप ये देखिए इसको, ये 5वां काला है, ये 5वें काले पे बोल रहा है। अभी थोड़ा सा इसको दबाएंगे आप, ये आपका अभी 5वें काले से अब ऊपर जाएगा, ये पहले काले तक जाएगा, अभी जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये तो मैंने इतना कर दिया क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा जरा जल्दी से बता दूं आपको, और आप भी इसको आसानी से समझ लेंगे कि ये 5वां काला था और अब ये पहला काला होने जा रहा है। अभी ये यहां पर है, अब ये शाहजी 5:30 पे आ गया। ये देखिए, हटाओ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं इसको लेकर। अब ये जो है पहला सफेद और पहले काले के बीच में है आवाज इसकी, ये देखिए पहला सफेद से ऊपर जा चुका है, ये देखिए, और ये पहले काले से अभी नीचा है। तो अब आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि पहले काला देखो कैसे होता है। Thank you.
ये देखिए शाहजी, ये पहला काला आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पांचवे काले से पहले काले तक का तबला। और इंची टेप दो जरा। और अब आपको मैं इसका साइज बताता हूं, जो आपने कहा था कि 6 इंची होना चाहिए, और ये 6 इंची में भी एक सूत ज्यादा है। ये देखिए 6 इंची ये है और ये 6 इंची एक सूत है, ठीक है, कम नहीं है ज्यादा ही है। और ये इसका साउंड, तो ये तो रहा आपका पांचवें से लेके और पहले काले तक का तबला। और अब इसको मैं एक तरफ अभी यही रखता हूँ। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये है 7 इंची का तबला, जो आपने बोला था कि तीसरे सफेद पे भी आए और चौथे सफेद पे भी आए और तीसरे काले पे भी आए और उसके बाद में पांचवा सफेद, जैसे अभी ये बोल रहा है पांचवा सफेद। अब आप इसको ये देखिए पांचवा सफेद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए ये है पांचवा सफेद। क्योंकि इस सुर को मैंने अभी बनाया था 2 दिन पहले जाकिर भाई के लिए, और उस्ताद जी हमारे जाकिर हुसैन साहब, ठीक है ना मेरे गुरु जी है, मेरी मंजिल है वो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उनके तक काम कर लूंगा तो मैं धन हो जाऊंगा बस यही है कि थोड़ा थोड़ा काम कर लूँ और आप लोगों को वो पसंद आ जाए और उसकी जो है ना आपको खुशियाँ मिले। मैं भी यही चाहता हूँ और आपकी खुशी से मैं खुश रहूँगा। तो ये जो है ना पांचवा सफ़ेद अभी बोल रहा है, ये देखिए अगर चाहें तो इसको ये जैसे ये पांचवा सफेद है और उसके बाद में तीसरा काला आता है, फिर चौथा सफेद, फिर तीसरा सफेद। आप अगर चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, जैसे मैं अभी अभी एक थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि मैंने इसको खींच दिया है और ये खींचने पर ये जो है थोड़ा अपना उसी टेम्पर पे बोल रहा है। ये देखिए, नहीं 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 अभी वहां पर नहीं आया है, ये देखिए ये अभी थोड़ा सा नीचे आया है, तीसरे काले के लिए आया है, ये देखिए। तो ये अब मैंने इसको असल में खींच दिया, खिंची लगा दी, क्योंकि एक बद्दी पर है ये अभी आप देख रहे हैं, और इसी हिसाब से ये जो है ना आपका, क्योंकि ये हरि जी का मतलब गुरु जी जो हमारे श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी साहब हैं, उनके लिए ये ज्यादातर सुर यूज करते हैं। तो ये आपने ये देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको, आपने बाएं डग्गे के लिए बोला था कि थोड़ा सा मुझे अलग अलग बताना और दिखाना कि देखिए, एक तो ये इसके अंदर नक्काशी है, बड़ी खूबसूरत नक्काशी हो रही है इसके अंदर और बड़ा अच्छा शेप आया हुआ है, ये देख रहे हैं आप इसमें ये, और इसका साउंड देखिए। असल में क्या है, ये तो सेकेंड नंबर पर आती है ये डिज़ाइन वगैरह, मेन तो इसकी साउंड है। इसका साउंड देखिए आप, ये देखिए, और इसको आप ऐसे करके देखिए,
मेरी एक शादी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज थोड़ा लीड लगा लेना, उससे आपको उस सारी हकीकत पता लग जाएगी कि इसका साउंड क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये साउंड है इसका, अपना डिजाइन है, और ये आपको आवाज मैंने इसकी दिखाई दी, और एक इसका डिजाइन इस तरह का है, ये देखिए, एक ये डिजाइन है, और इसका भी साउंड बहुत अच्छा है, ये देखिए। इसमें ये जो गोले डाले गए हैं, 3 गोले, ये अलग डिजाइन हो जाता है, थोड़ा पत्तियां हैं, फूल वगैरह हैं, तो ये इस तरह से ये बनाया हुआ है, और बाकी का एक डग्गा आपका ये है, ये इसका डिजाइन अलग है, ये देखिए इसका भी डिजाइन अलग है, इसमें गोले नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है ना, अच्छा इसको सूरज के नाम से जाना जाता है, ये सूरज है, ये देखिए ये बना हुआ है सूरज, ये सारा सूरज के नाम से है, जैसे ये सूरज है इसी तरह से ये सूरज है, तो ये सूरज के नाम से जाना जाता है, ये देखिए ये। तो आप जो चाहें इन तीनों डब्बों में से आप उसको यूज कर सकते हैं, दूसरी बात और ले सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको इसके अंदर जो रिंग सेट है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए एक रिंग सेट इस तरह के बनाए हुए हैं, ये देखो आप, ये जो इसकी बांधने वाली है वो ये देखिए, इस तरह से बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं, और ये प्लेट बनाई है बड़ी खूबसूरत, देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर बहुत अच्छी जो है ना मजबूती रहती है, और इसमें गद्दी दी गई है पीछे की साइड में, ये आप ऐसे दबाएंगे तो ऐसे दबेगा, जंपिंग देता है ये, क्योंकि ये स्याही के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्याही सेफ रहनी चाहिए, ऐसे ही इसके अंदर है, आप इसको भी देखिए, ये देखिए और इसके लिए ये जो रिंग बनाए गए हैं, ये देखिए ये प्लेट डलवी है इसके अंदर, इसमें ये प्लेट डलवी है, ये बैठेगा नहीं, जैसे अक्सर क्या कहते हैं बजाते में काफ़ी टाइम हो जाता है तो ये थोड़ा बैठ जाता है, ज़मीन से लग जाता है, ऐसा ज़मीन पे लगेगा नहीं ये, और बड़ा अच्छा प्लेट है, इसमें ये प्लेट लगी हुई है, और इसके अंदर ये मूव दिया हुआ है इसे, जैसे ये है ना इधर डोरी लगी हुई है, ये डोरी जो है ना ये रोके रखेगी, और ये जो डोरी है नीचे की साइड में जाएगा और बायां इसके अंदर आएगा, ये देखिए ये जो दिया हुआ है ना ऐसे, इसी तरह से इसमें भी है, अब आप इन दोनों को इस तरह से रख सकते हैं, अब ये रख के मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये भी दिखा दूं कि एक ये भी बनाए हुए हैं, और इनके जो कलर हैं वो इस तरह के कलर हैं, ये है ठीक है, और ऐसे ही ये दूसरा कलर है, दूसरे कलर में बनाए गए हैं, ये देखिए है ना, तो आप मुझे इसमें से चूज करके बता देना, और एक कलर ये है, ये देखिए, तो आप मुझे जैसा हो आप मुझे बता देना, मैं उसके हिसाब से वही वाला आपको कर दूंगा, 3 कलर हैं, और हाँ हैमर भी आपको दिखाने थे, एक हैमर ये है, ये देखिए ठीक है ना, ये ब्रास है, टोटल ब्रास है, और इस पर नक्काशी हो रही है, और ऐसे ही ये दूसरा डिज़ाइन ये है इसका, ये देखिए, और ये हाफ के जी है, आधा किलो की हथौड़ी है, और दूसरा इसमें और भी है, अब आप ये देखिए ये जो अवार्ड मिलता है ये अवार्ड वाला डिज़ाइन दिया हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, देख रहे हैं सर, तो आप इस हथौड़ी को ऐसे करके आप मिला सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है, जो आप चाहेंगे वो ले लेना, क्योंकि आपके पास कई ऑप्शन है, और एक ये है बिल्कुल प्लेन सिंपल, ये है समझे, ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, अभी मैंने बॉम्बे मेड है ये, और इसको क्या कहते हैं लोग सिंपल भी पसंद करते हैं, और ये जो है ना एक इसका ये दिया हुआ है, ये जैसे कोई अपना कोई पेड़ की डाली होती है इस टाइप की, देख रहे हैं आप, ये उस टाइप का है ये, तो अब आप इनमें से हथौड़ी में से जो आप चाहें, तो
तो देखिए मैं इसमें आपको नंबर दे देता हूँ, तो नंबर वन इसको ले लो आप, नंबर से मुझे सिलेक्ट करके बता देना ठीक है। और नंबर टू ये हो गया, और इसको ये तो एक देखनी है, और नंबर थ्री ये हो गया ठीक है जी, और नंबर फोर ये हो गया, और नंबर फाइव ये हो गया। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो आप इनमें से मुझे कोई सा भी अपना चूज करा हुआ नंबर बता देना, मैं नंबर से समझ जाऊंगा ठीक है सर। अच्छी बात है, ये तो मैं रखे देता हूँ। बाकी इसमें बैग भी देना है, बैग लगाना है, तबले का बैग भी इसके अंदर, एक सिंगल तबले का अलग से जाएगा, तबले की जो पेयर है वो भी मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। बाकी पैकिंग करते वक्त भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं पैकिंग कैसी कर रहा हूँ, और उसके बाद में जब ये पूरा कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट का मतलब पैकिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं कोरियर पे ये रवाना करूँगा कनाडा के लिए ठीक है सर। अच्छी बात है, नमस्कार शाह जी। और अगर कोई भी इसमें गलती या मिस्टेक आपको नज़र आती हो तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मुझे बताएं कि मैंने अगर कोई कमी छोड़ी है तो मैं उसको करूँगा ठीक है। नमस्कार और सलाम। अच्छी बात है जी, अच्छी।